लोकसभा चुनाव के जो तीसरे दौर के बाद की एक बड़ी विवादित बयान आया है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता और अखिलेश जी के जो एडवाइजर भी माने जाते हैं श्री रामगोपाल यादव साहब ने, उन्होंने फरमाया है कि अयोध्या जी में जो राम मंदिर बना है वो बेकार का है। आई एम कोटिंग हिम, कोट अनकोट, वो बेकार की चीज है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी गलत है, कहीं भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसा कोई मंदिर नहीं है, वो बेकार की चीज है और वहां जाने का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए दर्शन करने आदि नहीं है। इस पर आपको क्या प्रतिक्रिया है? प्रोफेसर रामगोपाल जी चूंकि प्रोफेसर हैं इसलिए मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो न राम के हैं न गोपाल के हैं। राम के लिए न उन्होंने कुछ मंदिर का काम किया और न ही गोपाल की गायों के लिए उन्होंने कोई काम किया। उनका माननीय अखिलेश जी के सलाहकार ही नहीं बल्कि उनके परिवार के चाचा ही लगते हैं। उस परिवार ने चार चार बार उत्तर प्रदेश में शासन किया है, मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है, लेकिन एक ईंट अगर राम मंदिर में आस्था नहीं थी तो गोपाल मंदिर में मथुरा में ही रख दिया होता, वहां भी कुछ नहीं किया। तो न वो राम का कुछ काम किए हैं न गोपाल का काम किए हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी भव्यता के साथ, इतनी दिव्यता के साथ, इतनी अपनी पौराणिक परंपराओं के साथ जिस प्राण प्रतिष्ठा को संपन्न किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में, साधु संतों के आशीर्वाद से, सभी हमारे सनातन धर्म की सभी बड़ी हस्तियों की उपस्थिति में, उनके आशीर्वाद से, ऐसे कार्य पर प्रश्न चिन्ह उठाने का अधिकार इनको किसने दे दिया ये समझ में नहीं आता है। और इनकी समझ अगर इतनी ही है कि राम मंदिर को जब मुगलों की सेनाओं ने जब अपने पैरों तले, जब उनके चौकट को रौंदा होगा, उनके घोड़ों के नालों ने जब अयोध्या को रौंदा होगा, तब वहां का वास्तु अच्छा हो गया होगा, तब वहां का सारा ज्योग्राफी और सारा नक्शा ठीक हो गया होगा, ये समझ ये बिल्कुल सुल्तानी समझ वाले लोग हैं, मुगली समझ वाले लोग हैं, इनकी बात का कोई ध्यान देना उचित नहीं है। भारत की जनता, सनातन प्रेमी जनता, धर्म प्रेमी जनता इन सारी चालबाजियों को समझ रही है और न ये राम के होने वाले हैं न गोपाल के होने वाले हैं, न ही राम के भक्तों के होने वाले हैं और न ही सामान्य जनता के होने वाले हैं, ये सिर्फ अपने परिवार के लोग हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।